राष्ट्रीय वहाँ से चुनाव हुए। आज के चुनाव पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ जी आठ मेरा राष्ट्रीय वहाँ से चुनाव हुआ। विशेष रूप से अधिवेशन हम लोगों ने तय किया कि जो जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दलित शोषित पीड़ित समाज से लेकर के गए हैं उनकी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमेशा कार्य करते रहते हैं। अधिवेशन का मकसद ये है कि जो देश की दलित पीड़ित शोषित जनता है उनके समस्याओं के लिए संघर्ष करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सत्ताधारी दलों के साथ में रहकर उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोग दिला सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने एनडीए गवर्नमेंट में हम लोग शामिल हुए प्रयत्न कर रहे हैं। भारत की एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चला रही है उससे निश्चित ही गरीबों का भला होगा। अब पटेल जी जब दलित समारोह का अत्याचार होता है तो माना जाता है कि जो स्टेज से भाषण दिए जाते हैं लेकिन धरातल पे उनका कोई समाधान नहीं होता। ये जो अत्याचार की बात है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं करते, हमारे समाज की ऐसी मानसिकता है कि किसी भी राजनीतिक दल की पार्टी कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आए तो ये अन्याय अत्याचार होते रहते हैं। जब तक हम लोग मानसिक रूप से यहाँ की जनता को जब तक पूरी जनता शिक्षित नहीं हो शिक्षा के माध्यम से उन तक नहीं पहुँचेगी छुआछूत या देश के नुकसानदायक है, देश में छुआछूत होना जातिवाद होना देश के नुकसानदायक है तो ये लोगों के बीच में हम लोग डाल रहे हैं कि छुआछूत से देश का बहुत नुकसान हुआ है। वो देश के तरक्की के लिए ये छुआछूत और जाति भेद अगर जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं तब तक देश का विकास नहीं होगा, तो इसी को लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे देश के अंदर में जातिवाद समाज जिस दिन समाप्त होंगे उसी दिन देश बहुत तरक्की से अपनी उन्नति करेगा। पटेल साहब अभी आज से कुछ दिन बाद बाबा साहब का जन्मदिन आने वाला है 14 अप्रैल पे, उस समय आपके आरपीआई पार्टी क्या करेगी? हम लोग रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूरे देश के अंदर में हमारे कार्यकर्ता जो जिले में जो शहरों में जो गाँव में रहते हैं सभी जगह हम लोग बाबा साहब के जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन पर अक्सर हम बाबा साहब के जो प्रतिमाएँ हैं पूरे देश के अंदर उनके पास में इकट्ठा होते हैं, नमन करते हैं, उनके किए गए जो कार्य है उनको हम लोग याद करते हैं। और बाबा साहब ने हमारे देश के लिए नागरिकों के लिए जो भारतीय संविधान हमें दिया है और भारतीय संविधान में जो अधिकार है सभी लोगों के सभी जनता के वो अधिकार हमारे सभी जाति धर्म के लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस दिन हम लोग संकल्प लेते बाबा साहब के जन्मदिन पर कि सभी देश के नागरिकों को संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है वो सब लोगों को मिले। पाटिल साहब ये एक बहुत बड़ी विडम्बना वाली बात है कि डॉक्टर साहब के जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, पेरियार रामास्वामी की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, इनका मतलब कैसे रोका जाएगा? ये जो इस तरह से प्रतिमा तोड़ने की जो लोग विचारधारा लेके चलते हैं खिलाफ हम नहीं चाहते कि इस तरह से राजनीतिक देश का निर्माण हो। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से त्रिपुरा में भी जिस तरह से लेनिन जी की मूर्ति तोड़ी गई हम लोग उसका भी निषेध करते हैं और उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति है उनके जो लोगों ने तोड़फोड़ की है वो बहुत ही निंदनीय है और ये घटनाओं को रोकने के लिए हमारे कार्यकर्ता कहा गया है कि इस तरह से नहीं हो क्योंकि बाबा साहब की जो मूर्ति है तो पूरे देश के अंदर भी आंदोलन होता है तो उस तरह से हम लोगों से कहा कि देश में मूर्ति तोड़ प्रकरण में ज़्यादा वातावरण खराब नहीं हो, देश में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए हमारी पार्टी हमेशा प्रयत्नशील रही है और बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हमें तो पता नहीं है बाकी मूर्ति क्या रिएक्शन होता है लेकिन बाबा साहब की जब मूर्ति टूटती है तो पूरे देश में एक बहुत अच्छा एक बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, उसको हम लोगों ने अभी रोकने का प्रयास किया ताकि देश में शांतता बनी रहे और जिस तरह से ये विचारधारा के लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं।